दोस्तों, ट्रेडमार्क सर्च जो है वो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, ट्रेडमार्क सर्च जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने गलत सर्च किया ट्रेडमार्क का तो आपकी पूरी फीस दांव पे लगी हुई है। मतलब ऐसे कि आपका एक रॉन्ग स्टेप आपका आगे एक पूरा प्लान खराब कर सकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे हम ट्रेडमार्क सर्च करते हैं। समझ लीजिए, हमें ट्रेडमार्क सर्च करना है अमन, AMAN, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए होंगे हमको, एक है स्टार्ट्स विथ, एक है कंटेंट्स और एक है मैचेस, मैच विथ। तो हम पहले स्टार्ट विथ में करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपका क्लास कौन सा। अब ये क्लास का मतलब स्कूल का क्लास नहीं है, ये क्लास का मतलब है कि आप बिजनेस क्या करते। तो आपको जब क्लास का अधिक जानकारी चाहिए तो हम आ जाते हैं क्लास डिटेल्स पे। जब हम क्लास डिटेल्स पे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा सर्च टर्म, इस सर्च टर्म पे हम सर्च कर सकते हैं कि हम क्या बिजनेस करते हैं। समझ लीजिए, हम बुक्स का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब नोटबुक्स वगैरह वगैरह। तो जब हम यहाँ पे बुक्स लिखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्लास 16 बुक्स। तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो हमको डिटेल्स आ रही है, इससे ये समझ में आता है कि अगर हम बुक्स का बिजनेस करते तो वो क्लास 16 में आता है। तो हम यहाँ पे 16 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमको ये कोड लिखना है 3 4 5 0 8 4। ये लिखने के बाद में हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट 100 मैचिंग मार्क्स। मतलब जब हमने अमन लिखा है तो हमको सर्च में ये पता चल रहा है कि 100 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स अमन से स्टार्ट होते हैं। तो इससे आपको क्या आइडिया मिलती है, इससे आइडिया आपको ये मिलती है कि अमन नाम बहुत ही कॉमन है और ये नाम आप गलती से भी ना रखें अपनी कंपनी का। आप अगर न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये नाम मत रखिए। अगर आप पहले से अमन नाम की कंपनी चला रहे हो तो वो एक अलग पूरा हो जाता है गेम, कि आपके पास ऐसे कोई सबूत होंगे कि आप ये साबित कर सको कि आप 5 साल से पहले से अमन नाम यूज़ कर रहे हो ट्रेडमार्क के लिए। अब हम जब आगे बढ़ते, तो हम जब सर्च रिपोर्ट को स्टडी करते तो हमको ये पता चलता है, यहाँ पे आ रहा है रिमूव्ड, विड्रॉन, अबैंडन, रजिस्टर्ड, ये सब का मतलब क्या है। तो दोस्तों, इसका मतलब ऐसा है कि जो ट्रेडमार्क का अंदर आ रहा है रिमूव्ड, तो उसका मतलब ये कि ये ट्रेडमार्क एक ज़माने में रजिस्टर्ड था पर इन लोगों ने इसको रिन्यू नहीं किया, इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया। विड्रॉन का मतलब ये कि ट्रेडमार्क अप्लाई किया गया था लेकिन वो किसी कारणवश उन्हें नहीं दिया गया तो उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया, एप्लीकेशन वापस ले लिया। अबैंडन का मतलब ये होता है कि ट्रेडमार्क के अंदर आगे की कार्रवाई नहीं हुई, प्रोसीजर नहीं हुआ। रजिस्टर्ड मतलब वो रजिस्टर हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंट ट्रेडमार्क के मीनिंग्स है। तो अब ये तो बात फिक्स हो गई कि आप अमन नाम नहीं ले सकते। अब आप ऐसा भी नहीं लिख सकते हो न्यू अमन। मैं आपको ये बात बता दूं कि अमन नहीं मिलेगा तो न्यू अमन भी आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ट्रेडमार्क से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं और भी डिटेल्स जो है वो बताने वाला हूँ आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में, फुल प्रोसीजर, ऑपोजिशन क्या होता है, ऑब्जेक्शन क्या होता है, कैसे आप एक अच्छा ट्रेडमार्क बना सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।